दोस्तों, मनी सेव करना वेल्थ बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जो भी रेगुलर इनकम अर्न करते हैं, उस सारी इनकम को विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग अगर स्पेंड करते रहेंगे तो हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वहीं अगर हम अपनी इनकम में से कुछ अमाउंट सेव करके रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सालों में उस अमाउंट से वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो करंट टाइम में लाइफ इंजॉय ना करो। आपकी हैप्पीनेस के लिए आपकी करंट वांट्स को फुलफिल करना भी जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 50-30-20 फाइनेंशियल प्लानिंग रूल के बारे में, जो आपको सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा। इस रूल के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा इस चीज़ पर बात कर लेते हैं कि सेविंग करना क्यों जरूरी है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों, लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं और कुछ भी फिक्स नहीं होता। जैसे कि रिसेंटली पेनेडेमिक में बहुत से लोगों की जॉब चली गई, तो अगर हम लोग सेविंग करते हैं तो एटलीस्ट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि अगर हमारी जॉब चली भी गई तो कुछ टाइम तक, जब तक हम कोई दूसरी जॉब या दूसरा इनकम सोर्स बिल्ड करेंगे, तब तक हमारी सेविंग्स हमारे सर्वाइवल में हेल्प कर सकती हैं। इवन अगर आपकी सेविंग्स लिक्विड फॉर्म में नहीं है, मतलब कैश या बैंक में नहीं है, आपने कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो भी आपको एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड रहता है कि आपके पास कुछ वेल्थ तो है। इसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग फ्यूचर गोल्स। जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं, जैसे बाइंग अ हाउस या स्टार्टिंग अ बिजनेस, इवन प्लानिंग अ ट्रिप, कोई भी इस तरह के गोल को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प कर सकती है। अब हम बात करते हैं उस रूल की जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये बताता है कि एक पर्सन को अपनी इनकम में से कितनी अमाउंट स्पेंड करना है और कितना सेव करना है। 50-30-20 रूल ये बताता है कि आपको अपनी इनकम को कैसे बाइफकेट करना चाहिए। इसमें इनकम को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो कि हैं नीड्स, डिजायर्स एंड फाइनेंशियल गोल्स। इनकम का 50% नीड्स पर स्पेंड करने के लिए एलोकेट किया जाता है। नीड्स वो सब चीज़ें होती हैं जो कि सर्वाइवल के लिए नेसेसिटी हैं, जैसे फूड, वाटर, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। इनकम का 30% डिजायर्स के लिए एलोकेट किया जाता है। डिजायर्स में वो सब चीज़ें आती हैं जिन पर एक्सपेंस करने का आपका मन तो करता है, बट आपके बेसिक सर्वाइवल के लिए नेसेसिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग लग्जरी आइटम्स, ईटिंग फूड्स इन रेस्टोरेंट्स, एक्सपेंडिचर्स ऑन एंटरटेनमेंट्स लाइक मूवीज, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन एट्सेट्रा। और इसमें इनकम का 20% फाइनेंशियल गोल्स के लिए एलोकेट किया जाता है। इस कैटेगरी में इस तरह की चीज़ें आती हैं फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल रहती हैं। इसमें हर टाइप की सेविंग्स आती हैं, फिर चाहे वो हाउस परचेज करने के लिए हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए, या फिर रिटायरमेंट के लिए हो। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी रिपेमेंट भी इसी कैटेगरी में आएगी। चलिए 50-30-20 रूल का एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स की मंथली इनकम है 50,000 रुपीज। तो इसका 50% यानी 25,000 तो बेसिक नीड्स के लिए स्पेंड हो जाएगा, इसका 30% यानी कि 15,000 डिजायर्स या वॉन्ट्स पे स्पेंड हो जाएगा, और इसका 20% यानी कि 10,000 को फाइनेंशियल गोल्स के लिए सेव किया जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये 20% है, इसको हमने सेव तो कर लिया, लेकिन इस सेविंग अमाउंट से एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप एलन मार्केट्स का ये फाइनेंशियल प्लानिंग मेड इजी कोर्स कर सकते हैं, जिसे फाइनेंशियल प्लानिंग की सारी बेसिक चीज़ें आपको इजी वे में क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, वैसे तो ये कोर्स 999 रुपीज़ का है, बट आपके लिए ऑफर है जिससे आप इसे फ्री में कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद आपको एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे चेकआउट करते टाइम आपको बेसिक ज्ञान कोड यूज़ करना है और आपके लिए ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो इसको चेकआउट करते ही आप कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है और इसको कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एलन मार्केट्स की वेबसाइट पे आपको 500 से ज़्यादा फ्री एंड पेड कोर्सेज एंड वेबिनार्स मिल जाते हैं, जिन्हें पॉपुलर मार्केट एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किया गया है। इनके कोर्सेज NSE Academy, MCX एट्सेट्रा से सर्टिफाइड होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स के साथ साथ और कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बेसिक ज्ञान कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। तो वापस आते हैं हमारी वीडियो पे। तो हमने अभी तक समझा कि 50-30-20 रूल क्या है और इसे कैसे यूज़ करना है। इसी तरह से सेविंग की और भी स्ट्रेटेजीज होती हैं, जैसे कि 10% रूल, 100 माइनस योर एज रूल एट्सेट्रा। 10% रूल सिंपल है, ये बोलता है कि आपको अपनी सैलरी का एटलीस्ट 10% तो सेव करना ही है।
और बचे हुए पैसों से आपको बाकी सब करना है। 100 माइनस योर एज रूल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, बट जनरली हम लोग इसका उल्टा करते हैं। इस रूल से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमको अपनी इनकम का कुछ फिक्स परसेंटेज नहीं बल्कि वेरिएबल परसेंटेज सेव करना चाहिए, जो कि एज के साथ साथ कम होती जाती है। इसमें परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से एज को माइनस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 25 है तो आपको अपनी इनकम का 75% सेव करना है, जो कि ऐसे कैलकुलेट हुआ है 100 माइनस योर एज। ये रूल बोलता है कि विद इंक्रीजिंग एज हमारे एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज होते रहते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग अपनी अर्ली एज में कर लेनी चाहिए। तो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझा। इन सब कैटेगरीज में से 10% रूल सबसे सिंपल है और 50-30-20 प्रिंसिपल स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट विद टाइम आप इसमें मास्टरी कर सकते हैं। इन सब स्ट्रेटेजीज का मेन पर्पज ये है कि अगर आप अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको अपनी सेविंग्स पे फोकस करना है, फिर चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। हालांकि जब आप इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करेंगे तो कुछ चैलेंजेस आएंगे। ये हो सकता है कि परसेंटेज के हिसाब से जो एक्सपेंसेस होने चाहिए रियल में आपके उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हों, बट अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को सीरियसली फॉलो करेंगे तो विद टाइम ये आपकी हैबिट बन जाएंगी। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो हो सकता है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करना पड़े। जैसे अगर आपकी सैलरी का 100% अमाउंट स्पेंड हो रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर आप अपनी वॉन्ट्स पर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो इस पर आपको कंट्रोल करना होगा। मे बी आप जिस हाउस में रहते हैं उसका रेंट आपकी इनकम के हिसाब से कुछ ज़्यादा हो, तो आप फॉर द टाइम बीइंग किसी दूसरी जगह पे हाउस ले सकते हैं जहाँ रेंट कुछ कम हो। तो इस तरह से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।